नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं सृष्टि आपके लिए लाई हूं सुबह की बड़ी खबरें। हरियाणा में इस वक्त चुनावी हलचल तेज हो गई है। पिछले हरियाणा विधानसभा चुनाव में पहलवान बबीता फोगाट और योगेश्वर दत्त ने अपनी सियासी किस्मत आजमाई थी। संदीप सिंह ने चुनाव जीतकर खेल मंत्री के पद पर उठाया था। इस बार क्या कोई खिलाड़ी चुनाव मैदान में उतरेगा? हरदी क्षेत्र में भेड़ियों ने एक छोटी बालिका को घायल किया है और बीते 48 घंटे में 6 लोगों पर हमला किया है। इससे स्थानीय लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है और उन्हें भेड़ियों पर नियंत्रण के लिए चिंता हो रही है। वन विभाग ने टीमें गठित की हैं और भेड़ियों को पकड़ने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अपने भाषण में बताया कि ग्रामीण भारत का विकास होने से लोग शहरों से गांव की ओर लौटेंगे। इसके लिए ग्रामीण व कृषि अर्थव्यवस्था में निवेश जरूरी है। गडकरी ने बताया कि पहले देश की 90% आबादी गांवों में रहती थी, अब यह 65% रह गई है। इस वक्त कृषि क्षेत्र का देश की अर्थव्यवस्था में योगदान 12% है, जबकि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र का योगदान क्रमशः 22 से 24% और 52 से 54% है। गडकरी ने कहा कि ग्रामीण, कृषि, आदिवासी और जंगल पर ध्यान देना होगा अगर देश को आत्मनिर्भर बनना है। बॉलीवुड फिल्म स्त्री 2 फीट ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन किया है, जबकि खेल खेल में का प्रदर्शन खराब रहा है। स्त्री 2 फीट ने कुल 492.85 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है, जबकि खेल खेल में की कमाई 30.3 करोड़ रुपए तक ही पहुंची है। उपराज्यपाल ने वार्ड समितियों के चुनाव निष्पक्ष कराने और चुनाव में व्यवधान डालने वालों से निपटने के बारे में आदेश दिए हैं। उन्होंने MCD आयुक्त व दिल्ली के पुलिस के आयुक्त को इस बारे में सख्त कदम उठाने का फरमान दिया है। वार्ड समितियों के चुनाव होने वाले हॉल में पुलिस कर्मियों को मार्शल के तौर पर तैनात करने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई पहुंचे। उन्हें हवाई अड्डे पर शहजादे अल-मुहतदी बिल्लाह ने स्वागत किया। उन्होंने उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद और नए चांसरी परिसर का भी उद्घाटन किया। सिंगापुर यात्रा के लिए वे बुधवार को ब्रुनेई से रवाना होंगे। लखीमपुर खीरी के धौरहरा कोतवाली क्षेत्र में ट्रक DCM की भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई। ट्रक चालक के साथ DCM और एक व्यक्ति की मौत हुई, जबकि एक और व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। संघ लोक सेवा आयोग UPSC जल्द ही सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024 के लिए एडमिट कार्ड जारी करेगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपनी पंजीकरण संख्या और जन्म तिथि के साथ तैयार रहें। UPSC मेंस एडमिट कार्ड परीक्षा के दिन साथ ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।